डंका, पति का डंका अब विदेशों में बज रहा है। बज क्या रहा है? बजने लग गया है, क्योंकि जो खबरें आपको बताऊंगी उससे तो आपको लगेगा ही कि वाकई डंका, पति का डंका जो है विश्व में बज रहा है। वाकई हम विश्व गुरु बन चुके हैं दोस्तों, क्योंकि ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से हम विश्व गुरु बन रहे हैं। फर्स्ट रो से नहीं बल्कि लास्ट रो से हम विश्व गुरु बन रहे हैं, क्योंकि विश्व भर में ऐसा डंका बजेगा इसका अंदाजा हम सबको नहीं था, जिसको सुनकर आपकी आंखें फट जाएगी कि हाँ ऐसा भी कुछ हुआ है, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है दोस्तों। दोस्तों यूएस में प्रधानमंत्री मोदी और उनके जिगरी दोस्त गौतम अडानी, जिसकी तस्वीरें आपने अक्सर मोदी जी के साथ देखी होगी, कि गौतम अडानी जो है वो कैसे प्रधानमंत्री मोदी के जिगरी यार हैं, और उनको लेकर तमाम खबरें भी सामने आती हैं कि कैसे मोदी जी और गौतम अडानी का रिश्ता है, कैसे जो सरकारी संपत्ति है और एयरपोर्ट्स है वो बिक रहे हैं। तो ऐसे में रिश्ता जो है वो पता चल ही जाता है, विपक्ष कहता ही रहता है, इल्जाम और आरोप दोनों लगाते रहता है कि मोदी जी के साथ गौतम अडानी का अंबानी का रिश्ता क्या है। खैर ये बात की बात है, रिश्ता क्या है नहीं है ये आगे चर्चा का विषय है, लेकिन असल बात यह है कि एक लाइन में विदेश जाकर मोदी जी सबसे आगे फोटो खिंचवा लेते हैं, फिर ट्वीट करते हैं, ट्वीट किया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, फिर क्या था हम विश्व गुरु बन गए। सारे बीजेपी के एक से एक नेता, एक से एक मंत्री, एक से एक सांसद, एक से एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर वो शख्स विश्व गुरु की उपाधि जो है देने लग जाता है कि देखिए एक रो में सबसे आगे प्रधानमंत्री मोदी जी चल रहे हैं और हम विश्व गुरु बन गए। ऊपर से गोदी में बैठी ही गोदी मीडिया भी लग जाती है अपने काम करने पर, देखो कैसे डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। लेकिन अब जो यूएस से खबर आ रही है, शायद इसको लेकर अब कोई भोपू मीडिया बचेगा, कोई भोपू मीडिया इस पर खबर आपको बताने की हिम्मत करेगा, क्योंकि उनके पास 56 इंच का कलेजा नहीं है। 56 इंच का कलेजा होता तो वो इस तरह की खबरें जो है ब्रेकिंग करके फ्लैश करके आपको दिखाते। दरअसल दोस्तों उद्योगपति गौतम अडानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ अमेरिका कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया गया है। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से सुनिएगा, अमेरिका कोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी, गौतम अडानी और जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ FIR दाखिल किया गया है। इस संबंध में तीनों को अमेरिका कोर्ट की तरफ से समन भी जारी किए जा चुके हैं। खास बात यह है कि पेगासस, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर मुकदमा रिचमंड के डॉक्टर लोकेश व्यूरूर ने दर्ज कराया है, जो भारतीय मूल के नागरिक है। उन्होंने ये मुकदमा अमेरिका के कोर्ट में दाखिल कर दिया है और समन भी जारी कर दिया गया है अमेरिका कोर्ट की तरफ से। न्यूयॉर्क में भारतीय अमेरिकी वकील रवि बत्रा ने पहले ही इसे खत्म मुकदमा बता दिया है। वहीं यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की तरफ से इन नेताओं समेत कई लोगों को समन जारी किए गए हैं। इसके अलावा मुकदमे में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चेयरमैन प्रोफेसर क्लाउस श्वाब का नाम भी शामिल है। आंध्र प्रदेश से आने वाले भारतीय अमेरिकी डॉक्टर ने बगैर किसी दस्तावेजी सबूत के नेताओं को घेर लिया है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि पीएम मोदी, रेड्डी और अडानी समेत कई लोग भ्रष्टाचार और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल में शामिल हैं। उन्होंने अमेरिका में बड़े स्तर पर नकदी भेजे जाने की बात भी कही है। ये मुकदमा 24 मई को दाखिल किया गया था दोस्तों, जिस पर अब समन जारी किया गया है। बत्रा का कहना है कि वियूर के खिलाफ बहुत खाली वक्त है, साथ ही उन्होंने इसे फिजूल का मुकदमा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साझेदार भारत को बदनाम करने के लिए 53 पन्नों की शिकायत दर्ज कराकर फेडरल कोर्ट्स का गलत इस्तेमाल किया है। अब दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ विदेशों में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। यूएस में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, उस यूएस में जहां पर प्रधानमंत्री मोदी कई दफा जा चुके हैं, बाइडेन से मिल चुके हैं, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप से मिल चुके हैं, इससे पहले बराक ओबामा से मिल चुके हैं, ऐसे तमाम प्रधान राष्ट्रपति से अमेरिका के मिल चुके हैं, लेकिन अब जो है उनके खिलाफ
ऐसी मामले में केस दाखिल किया गया है जिसको लेकर भारत में खूब बहस खूब चर्चा होती हुई नजर आई है। दोस्तों अभी हाल ही के दिनों में आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर पेगासस मामले को लेकर ये कहकर केस खारिज कर दिया था कि पर्याप्त सबूत नहीं है और सरकार जो है केंद्र सरकार सबूत जुटाने में उनका सहयोग नहीं कर रही है, इसलिए पेगासस मामला जो है पेगासस मुद्दा इसको खारिज किया जाता है, केस को बंद किया जाता है। इसके बाद गोदी मीडिया खूब झमाझम करके खबर दिखाना शुरू कर दिया कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा था, जो पत्रकार आरोप लगा रहे थे वो गलत था, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब ये मामला यूएस में है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है पेगासस को लेकर भारत में किस तरह से एक वक्त था जब पेगासस को लेकर सनसनीखेज खुलासे हो रहे थे, सनसनी खबरें सामने आ रही थी, रिपोर्ट सामने आ रहा था, चाहे वो दवायर हो या फिर पत्रकार रोहिणी सिंह हो, इन तमाम लोगों के जरिए ये खबर सामने आई थी कि कैसे जो है पेगासस से उनके फोन को स्पाई किया गया था, उनके फोन को जो है जासूसी किया गया था। और ये मुद्दा इज़राइल जो एनएसओ कंपनी इज़राइल ग्रुप ऑफ एनएसओ उसके जरिए कहा गया था और उसने खुद स्वीकार भी किया गया था कि सरकार ने पेगासस लिया है, लेकिन वो इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं दे सकते हैं, सिक्योरिटी का हवाला दिया गया था। और यही बात सदन के अंदर भी कही गई थी जब विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी आवाज बुलंद कर रहे थे और कह रहे थे कि पेगासस जो है वो मोदी सरकार ने आम नागरिकों, विपक्ष और जजों, एक्टिविस्टों, तमाम लोगों पर अपनी जासूसी करने के लिए इस्तेमाल किया था। और फिर क्या हुआ, ये मुकदमा लंबा चला और लंबा चलने के बाद अभी कुछ दिन पहले पर्याप्त सबूत ना होते हुए इस केस को बंद कर दिया गया। अब ऐसे में अमेरिका कोर्ट में ये सवाल उठाया गया कि कैसे पेगासस के जरिए मोदी सरकार ने जासूसी की है, ऊपर से भ्रष्टाचार का भी मामला जो है दोस्तों अडानी और प्रधानमंत्री मोदी और जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ दाखिल किया गया है। ऐसे में आगे की कार्रवाई क्या होगी, आगे की प्रक्रिया क्या होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या ये केस जो है वो खारिज किया जाएगा या आगे इस पर पूरी सुनवाई अमेरिकी कोर्ट करेगा, ये देखने वाली बात होगी, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी प्रधानमंत्री पद पर रहकर, प्रधानमंत्री के पोस्ट पर रहकर मोदी जी के खिलाफ, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ यूएस कोर्ट में समन दाखिल किया गया है, समन भी भेजने की बात कही गई है। खबरों की बात करें, लाइव हिंदुस्तान की बात करें, तो कुछ ऐसी ही खबरें लिखकर सामने आ रही है कि समन भेजा गया है। अब ऐसे में आगे क्या होता है, किस तरह का एक्शन भारत से लिया जाता है, ये अपने आप में बड़ी बात होगी। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ द नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।